डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और अभी तो हम बड़े मजे से जा रहे हैं क्योंकि भाई नीचे की तरफ जाना है ना, और जब हम इन सीढ़ियों के ऊपर आएंगे और सर में हमारे पानी भी होगा तो भैया इतनी आफत आती है सच में। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आगे पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, कितना ठंडा हो गया है ना गाँव में सच में। अभी अभी बारिश बंद हुई है बस, और ये पूरा कोहरा छा गया यानी कि दोबारा बारिश आएगी अभी। और देखिए यहाँ पर हम अपना घर का पीने का पानी ले जाते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो ये जो है पानी टूट गया है यानी कि कहीं नल वल पाइप वगैरह सारे टूट गए होंगे ना, तो उस वजह से अब यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बादल फटा है जहाँ पे, तो उस वजह से सारे पाइप वगैरह सारे टूट गए हैं। और अब हमें यहाँ नीचे से एक रास्ता है उधर आए पानी, तो अब हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और हम आज मैं और मेरे हस्बैंड ये दो गागर हैं हमारे पास, तो हम पानी के लिए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और अभी तो हम बड़े मजे से जा रहे हैं क्योंकि भाई नीचे की तरफ जाना है ना, और जब हम इन सीढ़ियों के ऊपर आएंगे और सर में हमारे पानी भी होगा तो भैया इतनी आफत आती है सच में। और मुझे जैसे मोटर लगी तो चल रही है अपनी तो अभी पानी आ चुका है और वहाँ पे कुछ लोग और पहले से ही पानी भर रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको कितना पानी भरा। तो अभी हम आ गए अपने पानी के पास और जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग अभी पानी भर रहे हैं, तो उसके बाद मैं भी भरूँगी। और पानी के पास यहाँ पे मंदिर है, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, और पीपल का पेड़ है, तो जब शिवरात्रि वगैरह होती है तो ये लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए भी आते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे टाइल्स वगैरह सारी लग चुकी हैं तो काफ़ी अच्छा हो गया, पहले यहाँ पे टाइल्स नहीं थी। बादलों की वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, जो मैं लेके आई हूँ बर्तन ये मैंने लगा दिया है यानी बंठा से बंठा बोलते हैं, तो वो मैं भर रही हूँ और एक मैंने भर के रख दिया है। तो बाकी ये पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं थी। और मैंने एक ब्लॉग बनाया था पिछले लॉकडाउन में जब मैं आई थी, तो मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे, तो मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, तब यहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं थी, तो अब बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे ये। अभी नहीं आऊँगा, मेरे में उठाओगे ना तो मैं फोन में उठा पाऊँगा। घर चुका है, अब हम चलेंगे घर। अब आई क्या ऑफर, और जो दुपट्टा है ना इसका बनाते हैं डीलू यानी कि सर में रखेंगे इसे, तो ये नीचे जो ये जो बर्तन है इसे चुभेगा नहीं सर में इस तरीके से। ये टेक्निक ऐसे ऐसे बनाओ और फिर इसके ऊपर रखो बर्तन। लो उठा, ओए तेरी बारी रे। कितने किलो का होगा? कितने किलो का होगा? 10-12 किलो का। तो इस तरीके से ये है पहाड़ी, रुक जा हैं सीढ़ी चढ़ना और सांस फूलने लग गए। अभी तो इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं ना अभी ऊपर तक, आफत आ जाएगी आज तो। यहाँ से मेरी बहन का घर भी दिख रहा है रोड में, ये घर सामने। और अभी इतनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है। नमस्ते, जोर नहीं जोर ना
धान धन तो बर्फ होने तो क्या करें फिर? तो देखिए अब इतनी देर में हम पहुंच चुके हैं इस वाले पानी में जहाँ से हमारा घर बहुत पास पड़ता है, कोई चढ़ाई भी नहीं चढ़नी पड़ती हमें, तो इतना टफ है वहाँ से पानी लाना। लेकिन वो है शुद्ध जड़ी बूटियों का पानी है वो, जो अपने आप ही मतलब एक प्राकृतिक स्रोत है वो, है ना, तो अपने आप ही होता है वो। ये तो जैसे कि कहीं बाहर टैंक वैंक बने हुए वहाँ से आता, लेकिन वो प्राकृतिक स्रोत का है, ये भी स्रोत है। चलो ये भी स्रोत है लेकिन ये टूट गया है, प्रकृति है ये भी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर पे ओर घर लो पाए। कहाँ पहुँचे? क्या पायो मल गया है? मैं देखा जा रहा हूँ पर यार सब भी सही करे कड़े पायो ना, हम तो रोज ही बनाते यार। हाँ ये हमारी BMW और बारिश की वजह से कितना पानी हो रहा है हमारे यहाँ आंगन में, ये भी साफ कर लिया। क्योंकि हम अपने घर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मॉर्निंग का टाइम है, तो हम सबसे पहले पानी लेने गए क्योंकि पहले तो बारिश होने लग गई थी, फिर पानी के लिए चले गए तो काफ़ी दूर था तो टाइम लग गया। अब बनाते हैं हम नाश्ता, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और चलिए, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे इंस्टा आईडी क्या है, तो मेरी इंस्टा आईडी है पहाड़ी ब्लॉगर ऋतिका 837, तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे वहाँ पर। तो चलिए बाय बाय।